morning friends, and once again welcome from sharestradingschool.com. Today we are going to talk on Nifty again. Today is the 4th April 2019, and we will just quickly have a recap on daily chart, what we have discussed yesterday, and what yesterday market has formed some formations, which is really a matter of concern. So quickly we will go through this. Now you can see that this is a Nifty daily chart which we have kept in front of you on the screen. Last 3 days, ये जो 3 दिन हैं हम doji के बारे में बात कर रहे थे, और कल के analysis में भी yesterday we spoke about these dojis, and in a row consecutively these 3 dojis were actually showing a concern that there was a tie between bulls and bears. लेकिन कल के दिन ये tie खत्म हुआ, कल मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया और उसके बाद ये प्रीवियस बार के लो के नीचे आके क्लोज हो गया. सो देयर बाय फॉर्मिंग अ परफेक्ट की रिवर्सल पैटर्न, विच इज अ बेरिश परफेक्ट की रिवर्सल, या इसको सुनामी बेयर भी कहा जा सकता है. सो ये फॉर्मेशन दिखा रहा है कि करेक्शन शुरू हो गया. ये इस तरह का फॉर्मेशन पास्ट में यहाँ पे भी आया हुआ है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर फॉर्मेशन आपको दिख रहा है. यानी 22 मार्च को भी परफेक्ट की रिवर्सल देखने को मिला था. अब ऐसा जब आता है तो करेक्शन शुरू होगा, और ये करेक्शन जनरली ट्रेंड लाइन तक लेके जाएगा, और वही हुआ था. ये ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पे प्लॉट करी है उसको इसने पेनेट्रेट करके अगले दिन सपोर्ट के रूप में टेस्ट किया, एंड अगेन पिवट रिवर्सल बुलिश फॉर्म करके मार्केट ने फिर से एक बार अप ट्रेंड पकड़ा था. अभी अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो चांसेस अब ये होंगे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकती है. सो प्रोबेबिलिटी अब यह होगी कि मार्केट अगर यहाँ पे खुले और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को पेनेट्रेट करे, सपोज शायद इधर से यहाँ तक भी जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि इतना ये पेनेट्रेट करे, लेकिन अगर ऐसा हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर आके क्लोज हो सकता है, या यहाँ पे कोई बुलिश बार फॉर्म कर सकता है. क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एग्जिस्ट हो रहा है. ये एक सपोर्ट एग्जिस्ट हो रहा है, दूसरा प्रीवियस एक्यूमुलेशन का सपोर्ट भी अगर हम देखेंगे तो इसी लेवल पे है. सो पेनेट्रेशन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके वो बाउंस होने का स्कोप ज़्यादा दिखता है. जो पास्ट में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, शायद यही हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. अगर सपोज ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ और शायद यहाँ से ये पेनेट्रेट होके नीचे क्लोज हो गया, तो अगला सपोर्ट जो है वो इस एरिया में रहेगा जहाँ पे 20 का डेली चार्ट सपोर्ट दे रहा है, जो लेवल अराउंड 11,413 के आसपास है. सो अगर मार्केट ने लेवल 11,550 का तोड़ा, तो उसके बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो 11,413 के आसपास ये लेवल सपोर्ट के रूप में टेस्ट कर सकता है. सो ऑलमोस्ट उसके बाद 130-140 पॉइंट का फॉल मार्केट एक्सपीरियंस कर सकता है. सो अगर इसको स्टडी करना है तो हम क्विकली थोड़ा सा आर्ली चार्ट में भी रिफर करें. आर्ली चार्ट हम देख रहे हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो हमने टारगेट निकाला था 11,733 के ऊपर मार्केट जाए, अगर उसको सस्टेन करे तो हम बुलिश देख रहे थे. लेकिन लाइव में कल हर इंडिविजुअल बार ऑलमोस्ट एवरी आर मार्केट ट्राई टू क्लोज अबव दैट एंड मेंटेन दैट लेवल, रिस्पेक्ट दैट लेवल. लास्ट सेकेंड लास्ट आर में इसने इस लेवल को तोड़ा है, और ट्रेंड लाइन भी तोड़ के इसने 20 के एमए को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ, और सेकेंड बार ने इस 20 के एमए को रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट किया. और हमारे अगली जो फिबोनाची सपोर्ट लेवल है 11,633 की, ये इसने कल टेस्ट करी है. सो यहाँ से अगर अभी दिखता मुझे ये है कि यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, क्योंकि ये लेवल ये इसने सपोर्ट के रूप में टेस्ट करनी ऑब्वियस है. अगर ये यहाँ से ये लेवल तोड़े तो ये ट्रेंड लाइन और हमारे लिए ये जो 50 एमए है ये सपोर्ट का काम कर सकता है. जैसे इसको सपोर्ट लिया, यहाँ से ये बाउंस हो गया और ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, और ये रेजिस्टेंस जो है ये 20 का एमए इसको रेजिस्ट कर सकता है, इसको रोक सकता है. सो मेरे ख्याल से मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो या पेनेट्रेट होता है तो हम लॉन्ग करने की का एक्शन ले सकते. यहाँ से हमारे लिए टारगेट 11,680 का होगा, और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,600 के नीचे. सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 11,680 का, हम टारगेट रख के इस मार्केट में आज लॉन्ग करेंगे. हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं,
रादर हम लोग फिलहाल आर्ली चार्ट के हिसाब से कंसोलिडेशन में हैं, डेली चार्ट के हिसाब से हम करेक्शन में हैं। सो डिफेंसिव ट्रेडर इस मार्केट में काम ना करे, ओनली कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी हम दे रहे हैं। अगर आप एंटर करते हैं 11,080 के बाद अगर मार्केट सस्टेन होता है उसके ऊपर जाता है तो आगे मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको फेस करने हैं, इसके लिए ये लेवल इसके बाद ये लेवल। सो इसके लिए मैं जाता हूं कि 11,680 के बाद हम हमारा लॉन्ग काट दें और नया फ्रेश लॉन्ग करना है तो हम बाद में उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कल। अगर सपोज आज क्रेडिट पॉलिसी है, अगर क्रेडिट पॉलिसी में हमें हमारे मार्केट के अगेंस्ट यानी अगर डिस्काउंट नहीं मिलता किसी भी तरह से इंटरेस्ट में तो ये निगेटिव असर मार्केट लेगा और उसके बाद फिर शायद ये लेवल भी मार्केट तोड़े। इसके लिए फिर हम ये जैसे काटता है तो हम मार्केट के बाहर आ जाएंगे। सो हम इस तरह से स्ट्रेटेजी को आज फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिंग अगेंस्ट ट्रेंड हो रहा है इसकी वजह से अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, कंपल्सिव ट्रेडर हाथ डाले, ये हाई रिस्क ट्रेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस तरह के जो स्ट्रैटेजीज होते हैं उनमें 60-65% होती है, 40-45% प्रोबेबिलिटी फेलियर की भी रहेगी। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ट्रेडिंग, बेस्ट ऑफ लक।